अभी मैं जा रहा हूँ मेरेन रोड पे जा रहा हूँ जो पुरी कोणार्क को कनेक्ट करता है। और अगर आप कोणार्क जाना चाहते हो पुरी से तो डायरेक्ट रोड है, तो मेरेन रोड और चंद्रभागा बीच देके आपको कोणार्क जाना पड़ेगा। और अगर आप भुवनेश्वर से आना चाहते हो तो वहाँ से भी डायरेक्ट रोड है। In this marine road you can enjoy beautiful scenery and the road condition is extremely well, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है रोड कंडीशन। पहले तो हम चलेंगे चंद्रभागा बीच और उसके बाद हम कोणार्क सन टेम्पल चलेंगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ चंद्रभागा बीच। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, थोड़ा देख के चले जाएंगे सन टेम्पल। भाई ने बहुत सारे क्रैब्स, उड़िया में इसको कंकड़ा बोलते हैं, एंड छोटे मछली भी इस बीच से पकड़े हैं। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए चार पांच डेजर्ट बाइक भी है और आप इसके ज़रिए भी टोटल बीच घूम सकते हो। और अभी हम चलेंगे कोणार्क सन टेम्पल चलेंगे। यहीं चंद्रभागा से 4 या 5 किलोमीटर है। और मैं अभी आके पहुंच गया हूं सन टेम्पल के सामने ही खड़ा हूं। और ये टेम्पल दूर से ब्लैक दिखता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक पागोडा भी बोला जाता है, मतलब काला मंदिर भी बोला जाता है इसको। और अंदर जाने के लिए हमको टिकट लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे शॉप है, इस शॉप में आपको हैंडक्राफ्ट चीज़ भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और ये एरिया पहले इतना क्लीन नहीं था, अभी बहुत क्लीन एंड सिस्टमेटिक हो गया है। अभी हम यहां से टिकट लेने के बाद अंदर चलते हैं। और ये जो टेंपल है, इंडिया का जो 7 वंडर्स है उसमें से एक है। इंडिया में फिलहाल 2 सन टेंपल्स है, फर्स्ट वन इज गुजरात में है और सेकंड वन इज उड़ीसा के कोणार्क में है। ये जो कोणार्क है तो ये दूसरे से अलग है, क्योंकि इसका जो यूनिकनेस यही है कि इसका जो पीक ऑफ द टेंपल में एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट था। मैग्नेट उस टाइम इसलिए लगाया गया था कि उस टाइम तो सीमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था जब यह टेंपल बनाया गया था, तो दोनों पत्थर को जोड़ने के लिए जो लोग बनाते थे वो लोहे का इस्तेमाल करते थे। तो लोहे को स्टेबल करने के लिए एक टेंपल के पीक पॉइंट पर एक मैग्नेट लगाया गया था, ताकि टेंपल को एक बैलेंस में रह सके।
इस टेंपल को ऐसा बनाया गया है कि सन का जो फर्स्ट रे है, मतलब सूर्य का जो पहला किरण है, भगवान सूर्य देवता के ऊपर पड़ता था। तो अभी तो फिलहाल सूर्य देवता के जो मेन डोर है तो उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इस टेंपल में ऐसे ही सेवन हॉर्सेस का स्टैच्यू है और ये टेंपल दूर से एक रथ टाइप का दिखता है। और यहाँ पर ऐसे ही 24 व्हील्स का स्टैच्यू है। और ऐसा भी बोला जाता था कि पुर्तगीज जब इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, उनका जो जहाज़ यानी शिप का जो कंपास है वो हमेशा मिसगाइड हो जाता था इस मैग्नेट की वजह से। मतलब ये सोचो कि वो मैग्नेट कितना पावरफुल था। तो पुर्तगीज वालों ने इस डिनामाइट लगा के तोड़ दिया था। ये था हमारा कोणार्क का ब्लॉग। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड इतना फैला दो कि उड़ीसा के बारे में सबको पता चल जाए। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी भुवनेश्वर के लिए निकल रहा हूँ। सो राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।